देश में काफी राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है, तो काफी राज्यों में मामले तेजी से घट रहे हैं। आइए जानते हैं आज 6 सितंबर 2021 को आपके राज्य में पिछले 24 घंटे में कितने केस मिले। नंबर एक, गुजरात में पिछले 24 घंटे में 14 नए मामले, मौतें कोई भी नहीं और 16 रिकवरी दर्ज की गई। सक्रिय मामले 146 हैं। नंबर दो, पश्चिम बंगाल में आज 707 नए मामले सामने आए हैं, 723 रिकवरी हुई हैं, 11 मौतें दर्ज की गई हैं, सक्रिय मामले 8652 हैं। नंबर तीन, पंजाब में पिछले 24 घंटे में 33 नए कोविड 19 मामले, 36 रिकवरी और मौतें दर्ज की गई हैं, सक्रिय मामले 341 हैं। नंबर चार, हरियाणा में आज 14 नए कोरोना के मामले, 22 रिकवरी और कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 631 हैं। नंबर पाँच, तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 230 नए मामले आए हैं, 357 रिकवरी हुई है और एक लोगों की कोरोना से मौत हुई है, सक्रिय मामले 5545 हैं। नंबर छह, आसाम में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 321 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 372 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 6 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। राज्य में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 4999 है। नंबर सात, कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1117 नए मामले आए हैं, 1354 रिकवरी हुई हैं, 8 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। राज्य में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 17501 है। नंबर 8, उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 16 नए कोरोना के मामले, 20 रिकवरी दर्ज की गई, इस दौरान कोई मौत नहीं हुई है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 389 है। नंबर 9, तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 1592 नए कोरोना के मामले, 1607 रिकवरी और 18 मौतें दर्ज की गई, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 16682 है। नंबर 10, पांडिचेरी में आज 103 नए कोरोना के मामले, कोई भी मौत नहीं और 78 रिकवरी दर्ज की गई, सक्रिय मामलों की संख्या 961 है। नंबर 11, गोवा में कोरोना के 72 नए मामले सामने आए हैं, कोरोना से 89 लोग ठीक हुए हैं और 5 मौतें हुई हैं, सक्रिय मामले 900 हैं। नंबर 12, आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1623 नए मामले सामने आए हैं, 1340 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, 8 मौतें दर्ज की गई, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 15158 है। नंबर 13, राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 7 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी लोगों की मृत्यु दर्ज नहीं की गई है, सक्रिय मामले 82 रह गए हैं। नंबर 14, केरल में कोरोना वायरस के 26701 नए मामले आए हैं, 28900 रिकवरी हुई है और 74 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 247791 है। नंबर 15, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 22 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं, मौतें कोई भी नहीं हुई हैं, 14 ठीक हुए हैं, सक्रिय मामले 122 हैं। नंबर 16, झारखंड में कोरोना संक्रमण के 9 नए कोरोना के मामले आए हैं, 16 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और कोरोना से एक मौत हुई है, सक्रिय मामले 133 हैं। नंबर 17, हिमाचल प्रदेश में आज 96 नए कोरोना के मामले, 219 रिकवरी और 2 मौतें दर्ज की गई हैं, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1633 है। नंबर 18, मणिपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 322 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 338 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 2 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो गई है, सक्रिय मामले 3260 हैं। नंबर 19, बिहार में पिछले 24 घंटे में 8 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और 8 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, इस दौरान 1 मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 64 हैं। नंबर 20, उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 805 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 767 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 7 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 6395 हैं। नंबर 21, त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 87 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 121 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 792 हैं। नंबर 22, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 4057 नए मामले आए हैं, 5916 रिकवरी हुई है और 67 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, सक्रिय मामले 50095 हैं। नंबर 23, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 18 नए मामले सामने आए हैं, 31 रिकवरी हुई हैं, सक्रिय मामलों की संख्या 235 है। पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमित लोगों में से 2 की मृत्यु दर्ज की गई है। नंबर 24, राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 30 नए मामले सामने आए हैं, 33 रिकवरी हुई है, इस दौरान कोविड से किसी की मौत नहीं हुई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 351 है। नंबर 25, अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 85 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 114 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 2 की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 762 हैं। नंबर 26, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 46 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 46 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 381 हैं। नंबर 27, जम्मू कश्मीर में आज 110 नए कोरोना के मामले आए हैं, 115 रिकवरी हुई हैं, केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 1322 है।
नंबर 28 मेघालय में कोरोना संक्रमण के 254 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 222 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 4 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। सक्रिय मामले 2234 हैं। नंबर 29 मिजोरम में कोरोना संक्रमण के 967 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 662 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। सक्रिय मामले 10318 हैं। तो ये थे आपके राज्यों के 24 घंटे के कोरोना केस रिपोर्ट। इसके अलावा भी किसी और राज्य की आपको कोरोना अपडेट चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं।